नमस्कार साथियों, नागर मोथा। जी हाँ, इससे आप परिचित हैं बालों को दुरुस्त करने के लिए। चलिए, उसके अलावा और भी क्या क्या उपयोग है उसके पहले हम जानते हैं कि इसे नागर मुस्तक भी कहते हैं। यह जो जलीय भूमि रहती है वहाँ तथा जलाशयों के आसपास की जो भूमि रहती है वहाँ बहुत इजीली मिल जाता है। इसके उपयोग यदि हम देखें तो आयुर्वेदिक रूप में यदि बच्चों को डायरिया हो गया है तब नागरमोथा, अतीस, सौंठ, सुगंध वाला इंद्रजौ समान मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर सुबह सुबह खाली पेट पिलाते हैं तो डायरिया पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सन्निपात, टाइफस। जी हाँ, जब हमारा वात, कफ, पित्त तीनों ही गड़बड़ हो जाता है तब फीवर आ जाता है, तो उस स्थिति को तुरंत कंट्रोल करने के लिए नागरमोथा, लाल चंदन, सौंठ, सुगंध वाला खस, पित्त पापड़ा समान मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर फिर ठंडा कर पिलाएंगे। रक्त में वात की समस्या है और उसके साथ साथ कफ भी हो जाए तब नागरमोथा, आंवला, हल्दी इनका काढ़ा बनाकर ठंडा करके शहद मिलाकर कुछ दिनों तक देते रहेंगे तो कफ भी दूर हो जाएगा और जो वात है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फीवर हो गया हो, किसी भी कारण से फीवर हो सकता है, चाहे सीजनल चेंजेस हो या इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक हो रही हो तब फीवर चढ़ गया है, तो उसके लिए हम नागरमोथा, गिलोय, अदरक और हरी टकी ये सभी 20-20 ग्राम लेकर चूर्ण बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर 5 भाग इस पूरे चूर्ण का कर लेंगे और प्रतिदिन सुबह शाम एक एक भाग का काढ़ा पीपल चूर्ण और शहद के साथ देते रहेंगे तो बहुत फायदा होगा। क्या आप कॉमन कोल्ड को नागरमोथा के द्वारा ठीक करना चाह रहे हैं या फिर पेट में हुए जो कमी है उनसे मुक्ति चाह रहे हैं, तो इन सब जानकारियों को हम लेके आ रहे हैं वीडियो का सेकंड पार्ट, उसमें जानिए आप ये सारी जानकारियाँ। आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।